गुड मॉर्निंग मुंबई, वेलकम टू योर फेवरेट शो। और आज हमारे स्टूडियो में है मिस्टर मुरली प्रसाद शर्मा। तो बताइए, आप गांधी जी के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? बोले तो अपन बापू का बहुत बड़ा फैन है। क्या आदमी था वो, अकेला लाठी दिखाकर अंग्रेजों को बोला आउट, मतलब वाट लगा दिया उसने। व्हाट अ मैन, क्लास है। पर आपको नहीं लगता कि लोग आजकल उन्हें भूलते जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, आज भी उनके ऑनर में 2 अक्टूबर को ड्राई डे रखते हैं। अगर ड्राई डे नहीं भी है ना, तो अपुन तो पीता नहीं। नो जोक्स अपार्ट, क्या आप उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलते हैं? चलता है ना, अपुन 3 किलोमीटर रोज चलता है महात्मा गांधी रोड के ऊपर। मेरा मतलब है कि आप उनके आदर्शों पे चलते हैं। टोटल अपुन क्या है, बोले तो गांधीगिरी में नंबर 1 है। यू मीन आप गांधीवादी हो, राइट? टोटल टोटल। और आप? मैं नॉट रियली, पर मुझे उनकी कुछ कुछ बातें अच्छी लगती हैं। जैसे? जैसे मैं कभी झूठ नहीं बोलती। तो आपके और मेरे विचार बहुत मिलते हैं, अपुन को रेगुलरली मिलना चाहिए ना। आप कभी झूठ नहीं बोलते? यू नेवर लाई? एक टाइम बोला था 92 में। क्या है कि एक बच्चे का अटर्नी खो गया था, बहुत रो रहा था। अपुन ने उसको अपना अटर्नी दिया और बोला कि तेरा है, रख ले। अच्छा, आप करते क्या हैं? अपुन प्रोफेसर है ना। प्रोफेसर? हाँ, बच्चों को इतिहास सिखाता है। आई मीन, पर आपकी भाषा। अब क्या करेगा, आखी कंट्री की भाषा की वाट मतलब है कि दुर्गति हो गई है ना। प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं, बोलेगा कि हृदय परिवर्तन हो गया तो ऐसा लगता है कि साला किसी को हार्ट अटैक आया है। यू मीन आप जानबूझकर ऐसी भाषा बोलते हैं जो स्टूडेंट्स के समझ में आए? करेक्ट, इसलिए अपने क्लास में सब फर्स्ट आता है, साला सेकंड कोई आता ही नहीं। वेल, अपन भी आज से ऐसे ही बोलेगा। बोले तो तुमको अपने स्टूडेंट्स को कौन सा सॉन्ग सुनाने का है मामू? कोई भी मस्त आइटम नंबर। विद्या, यू केम स्ट्रेट फ्रॉम परिणीता। आप नर्वस थी क्योंकि यू वर द न्यू पर्सन। मेरे हाथ कांप रहे थे। बट संजू के साथ तो परिणीता की थी, पर नर्वस क्यों थी? यू डोंट अंडरस्टैंड, इट्स मुन्ना एंड सर्किट। तो पहले दिन मेरा सीन शुरू ही हुआ था, एंड दे सर अरशद इज जस्ट कम ऑन टू सेट, वो 5 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे। जो मेरे पसीने छूटने लगे, और फिर 5 मिनट बाद सुनाई दिया कि संजू इज ऑल्सो कमिंग ऑन सेट, एंड आई वाज लाइक आई होप वो अपने वैन में चले जाए, कहीं भी चले जाए, भटक जाए, यहाँ ना पहुँचे। थैंकफुली वो नहीं पहुँचे, पर मेरे हाथ कांप रहे थे, बिकॉज यू नो फॉर मी संजू इज स्टिल द बिगेस्ट सुपर स्टार दे एवर विल बी। आई एम स्टिल अराउंड हिम, आई एम स्टिल अ लिटल लाइक यू नो आई डोंट नो व्हाट टू से, आई एम लाइक अ लिटल गर्ल। Sanju and me felt the same way about. We knew such a great actor, brilliant actress. ये वो ये आएगी, हम लोग भी बोले वाट लग, चुपचाप से वैन में बैठे रहते आराम से। Now you know what a good actor, he's कितने convincingly झूठ बोल लेता है अर्शद। Let's talk about the scene in the radio station. जानवी और मुन्ना पहली बार मिलते हैं. It's the first time गांधीगिरी is used. Yeah. When you first heard that word, कभी कुछ मतलब ऐसा लगा कि यार ये क्या है? Because now it seems such an obvious thing. Yeah. But back in the day, yeah. Gandhigiri kya hai? You know, was you it only, scary? You'd only heard of Dadagiri so far. Correct. So it's not a very positive context. It's not. Yeah. It's not. So when you first heard it, Vidya, what did you feel? First, actually, I thought ki mistake hua hai. Huh. And when I asked Raju, he said, nahi, it's Gandhigiri. And then, you know, it's become a common parlance. Ab Gandhigiri, sab Gandhigiri bolte hain. Huh. Koi Gandhiism nahi bolta, Gandhivadi nahi bolta, Gandhigiri bolta hai. I thought it was damn cool. Yeah. I think somewhere Raju tends to connect with the lowest common denominator. Beautifully. And beautifully yes, does that. Yes. Sanju, for you? I knew it was Dadagiri. Dadagiri means violence. Gandhigiri is non-violence. Hmm. It's as simple as that. So it makes sense. Yeah, so I was happy with it. Lekin that scene was shot 3 times over 3 days. Kya ho raha tha, Vidya? It was a small studio. Yes. To uske andar mujhe bahut paseena ho raha tha. To wo blow dry karke main set pe aati.
और दो मिनट में वो फ्लैट हो जाता. एंड राजू वांटेड यू नो हिम बिकॉज ही फॉल्स इन लव विथ दैट लार्ज शेंडी. वो क्या होता है, बोलते हैं शेंडी. ही करेक्ट सेम लट लट बोलते हैं उसको. तो वो लट ठीक से नहीं हो रही थी, तो वो ठीक से हो ही नहीं रहा था. आफ्टर अ व्हाइल आई वाज लूजिंग माय कॉन्फिडेंस बिकॉज इसके वजह से वो परफॉर्मेंस सब भाड़ में गया, यू नो, बिकॉज आई वॉज ओनली वारेड कि ये बाल फिर से फुस हो जाएंगे, अगेन राजू इज गोइंग टू से. और यही होता रहा. वी शॉट इट ओवर 3 nights. आई रिमेंबर बिकॉज ऑफ हेयर. या एंड आई रिमेंबर सम पॉइंट संजू टोल्ड राजू, ही सेड ठीक लग रही है यार, कर लो. एंड यू नो द फनीएस्ट थिंग इज आफ्टर दैट एवरी डे संजू वुड से टू मी, बाल ठीक है ना. He'd be like, otherwise रात रात भर शूटिंग करवाने वाले ही हैं. डेट की पड़ी थी यार, अगली फिल्म भी चालू कर ली है. But how you manage with that लट लट में, how? वो शलाका, उसने मेरी जो हेयर ड्रेसर है, I think she managed it. कि वो एक लट ऐसे आएगी. वाह. रे मार के उधर ही लगा दिया. वेट हैंग कर देने का मेडिस. सीमेंटेड लट. Yeah, really. फिर आपने ऐसे हिलाएगी तो टूट जाएगी. Thank you. Sorry. But yeah. है वो राजू is. My God. There's a reason I'm called Balan. Pretty good. Pretty good. Arshad Marcy के साथ उस, तो यही होता है. उस सीन में ये अपने रोंगटे नहीं खड़े कर सकी. लट लट बालन. अच्छा विद्या, ये जो गुड मॉर्निंग मुंबई था, ये कहाँ से आया? मुझे समझ में नहीं आया. राजू kept saying, I want one signature. Good morning, Mumbai. Everybody has one. Yeah, और मैं रेडियो स्टेशंस में गई, रेडियो जॉकीज से मिली, सबको देखा. एक तो मलिष्का थी जिसका सिग्नेचर बहुत एनर्जेटिक है, बहुत उसकी आवाज से लगता है कि यार सुबह हो गई मामू. That I think मलिष्का and Good Morning Vietnam. Yeah, it was Robin Williams. वो ऐसे बोलता है, you know, and of course not as long, but he says it with a certain elan. Good morning. Mumbai. Welcome back to your favorite show. और आज हमारे स्टूडियो में है मिस्टर मुरली प्रसाद शर्मा. बताइए, आप गांधी जी के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? बोले तो अपन बापू का बहुत बड़ा फैन है. क्या आदमी था वो? अकेला लाठी दिखाकर अंग्रेजों को बोला आउट, मतलब वाट लगा दिया उनका. वाट नहीं, दुर्गति, दुर्गति. What a man. क्लास है. साड़ा मुन्ना तो नहीं है? हाँ जी. आवाज बढ़ा दे. पर क्या आपको नहीं लगता कि लोग आजकल उन्हें भूलते जा रहे? बिल्कुल नहीं. आज भी उनके ऑनर में 2 अक्टूबर को ड्राई डे रखते. अगर ड्राई डे नहीं भी हो ना, तो भी अपन दारू को हाथ नहीं लगाते. नो जोक्स अपार्ट, क्या आप उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलते हैं? चलता है ना, अपन 3 किलोमीटर रोज चलता है महात्मा गांधी रोड के ऊपर. मेरा मतलब है कि आप उनके आदर्शों पे चलते हैं? टोटल अपन क्या एक बोले तो गांधीगिरी में नंबर 1 है. यू मीन आप गांधीवादी हो, राइट? टोटल. और आप? मैं नॉट रियली, पर मुझे उनकी कुछ कुछ बातें अच्छी लगती हैं. जैसे? जैसे मैं कभी झूठ नहीं बोलती. तो आपके और मेरे विचार बहुत मिलते हैं, अपन को रेगुलरली मिलना चाहिए ना. आप कभी झूठ नहीं बोलते? You never lie? एक टाइम बोला था 92 में, क्या है कि एक बच्चे का अठन्नी खो गया था, बहुत रो रहा था, अपन ने उसको अपना अठन्नी दिया और बोला कि तेरा है, रख ले. मेरी गल नोट कर, ये पॉलिटिक्स में जा रहा है. अच्छा आप करते क्या हैं? अपन प्रोफेसर है. प्रोफेसर? हाँ, बच्चों को इतिहास सिखाता ना. आई मीन, पर आपकी भाषा. अब क्या करेगा, अखे कंट्री की भाषा की वाट मतलब के दुर्गति हो गई लिए. और हिंदी साला कोई समझता ही नहीं, बोलेगा कि हृदय परिवर्तन हो गया, तो ऐसा लगता है कि साला किसी को हार्ट अटैक आ गया है. यू मीन आप जानबूझकर ऐसी भाषा बोलते हैं जो स्टूडेंट्स के समझ में आए? करेक्ट, इसलिए अपने क्लास में सब फर्स्ट आता है, साला सेकंड कोई आता ही नहीं है. वेल, अपन भी आज से ऐसे ही बोलेगा. बोले तो तुमको अपने स्टूडेंट्स को कौन सा सॉन्ग सुनाने का है मामू? कोई भी मस्त आइटम नंबर. अरे क्या नहीं किया उसने अपन के लिए, जेल गया, फास्टिंग किया, गोली भी खाया, इधर इधर. आज अगर बापू होता ना तो बोलता कि देश तो अपना हो गया है लेकिन लोग पराए हो गए. प्रताप ओझा, who was the oldest amongst them, would flirt. I love it. I remember he used to sing, "Ae meri zor jab."